स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लौह अयस्क एवं इस्पात के बारे में, ठीक है। इसके उद्योगों को जानेंगे, उत्पादन और भंडारण जानेंगे, कहाँ किन किन क्षेत्रों में इनका उत्पादन किया जाता है उसको मैप से समझेंगे। यूपी पीएससी का आरओ हो, पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, वो बहुत अधिक मात्रा में जहाँ से प्रश्न पूछते हैं लौह इस्पात से संबंधित, उनको हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लौह अयस्क एवं इस्पात। लौह अयस्क के बारे में आप लोग जानते हैं, इस्पात के बारे में आपको बता दें, लौह अयस्क में कार्बन मिलाकर और भी मिश्र धातुएं मिलाई जाती हैं, लेकिन मूलतः कार्बन मिलाकर, क्योंकि कार्बन सस्ता पड़ता है। बाकी अगर मैग्नीज मिलाएंगे, टंगस्टन मिलाएंगे, वैनेडियम मिलाएंगे तो महंगा पड़ता है, इसलिए मूलतः कार्बन मिलाकर जो है स्टील बनाया जाता है। हालांकि इसमें वैनेडियम भी मिलाया जाता है, मैग्नीज भी मिलाया जाता है, टंगस्टन मिलाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अगर ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो महंगा पड़ेगा, इसलिए कार्बन सबसे सस्ता होता है, सबसे किफ़ायती होता है, ठीक है। तो इस्पात का निर्माण किया जाता है। अब आप सामने देखेंगे, सबसे पहले कच्चा इस्पात उत्पादन पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है। कच्चा इस्पात उत्पादन पहला पॉइंट हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि हाल ही में यानी 2018-19 में जापान को भारत कच्चा इस्पात के मामले में पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर है कच्चा इस्पात के उत्पादन के मामले में चीन, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर जापान है। तो आपको क्रम याद करना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, नया चीज है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमने लिखा है, सबसे पहले आपको उत्पादन और भंडारण ही पढ़ाएंगे, उसके बाद क्षेत्र की तरफ आगे चलेंगे, ठीक है। तो चीन नंबर एक पे है कच्चा इस्पात के उत्पादन में, दूसरा भारत है, तीसरा जापान है आपका। दूसरा पॉइंट देखिए यहां पे लिखा है स्पंज आयरन। स्पंज आयरन के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। स्पंज आयरन क्या होता है आपको बता दें, जब लौह अयस्क धातु को गलाई जाती है, उसको गलाकर उससे ऑक्सीजन अलग कर दी जाती है, तो ऑक्सीजन निकालकर जो आयरन बचता है, जो धातु बचती है, उसको स्पंज आयरन के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में पहला स्थान रखता है। 19-20 का अगर हम डेटा देखें तो 37 मिलियन टन उत्पादन भारत का रहा है स्पंज आयरन का, और उसी के साथ नंबर एक है विश्व में उत्पादन के मामले में। तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे देखिए लौह अयस्क उत्पादन हम लोग विश्व में देखने चल रहे हैं। लौह अयस्क का जो उत्पादन है विश्व में 2019-20 का डेटा है, नवीनतम डेटा है, इससे नवीन डेटा अभी नहीं आया है, तो ये नवीनतम डेटा, यही से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो लौह अयस्क उत्पादन विश्व में हम लोग देखेंगे 2019-20 में। अगर लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पे है 30.83% के साथ, 30.83% पूरे विश्व में जितना लौह अयस्क उत्पादित होता है उसका 30.83% उत्पादित करके ऑस्ट्रेलिया नंबर एक बना हुआ है। उसके बाद नंबर आता है चीन का, 26.12% उत्पादित करके दूसरे स्थान पर बना हुआ है। तीसरे स्थान पर आपका आता है ब्राजील, 15.74% उत्पादित करके, 15.74% उत्पादित करके तीसरे नंबर पे है। भारत 7% उत्पादित करके, पूरे विश्व का जितना लौह अयस्क होता है उसका 7% भारत उत्पादित करता है और चौथे स्थान पर आता है। पांचवे पे आता है रूस 3.28% उत्पादित करके। तो अगर पूछा जाता है लौह अयस्क उत्पादन के मामले में विश्व में क्रम, तो भारत का चौथा स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का पहला है, चीन का दूसरा है, ब्राजील का तीसरा है, भारत का चौथा है और रूस का पांचवा है। अब आगे देखेंगे लौह अयस्क भंडार के मामले में 2019-20 में क्या स्थिति रही है। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पर बना हुआ है 28.39 यानी 28.39% के साथ सबसे अधिक भंडारण क्षमता रखता है। उसके बाद ब्राजील है 18.51। देखिए उत्पादन में दूसरे नंबर पे चीन आ रहा था, लेकिन यहां भंडारण में ब्राजील दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, जबकि तीसरे नंबर पे उत्पादन में था लेकिन भंडारण में दूसरे नंबर पे। पहले पे भंडारण में ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में ब्राजील, तीसरे पे रूस है 17.28 के साथ, चीन चौथे पे 8.51 के साथ भंडारण के मामले में, और भारत जो है वो पांचवें स्थान पे है 4.19% भंडारण कुल लौह अयस्क का जो विश्व में है। तो अगर आप देखेंगे उत्पादन के मामले में अगर हम बात करें तो भारत का क्रम कौन सा है, चौथी रैंक है, चौथा नंबर है, पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, और भंडारण की अगर बात करें तो भारत की पांचवी रैंक है और पहले पे ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको याद कर लेना है, पांचों क्रम कभी कभी सीधे सीधे दे देता है कि क्रम के अनुसार आपको चुनना होता है ABCD में कौन सा सही है। तो आगे चलते हैं और अब भारत में लौह देखते हैं, ये विश्व हम लोगों ने देख लिया, ठीक है।
भारत में लौह अयस्क उत्पादन देखते हैं, ठीक है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के मामले में उड़ीसा आधे से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है, 54.76 जो लौह अयस्क का उत्पादन भारत में होता है उसमें आधे से ज्यादा तो अकेले उड़ीसा कर देता है। दूसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ आता है 16.92% के साथ दूसरे नंबर पर आता है, फिर कर्नाटक 14.4% के साथ आता है, फिर चौथे नंबर पर झारखंड आपका आता है। पहले नंबर पे उड़ीसा आ गया, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ गया, तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक और चौथे पे झारखंड आता है 11.35% उत्पादित करके। बाकी जो बच रहा है वो बाकी राज्य करते हैं, तो 54.76% अकेले उड़ीसा उत्पादित करता है। तो सबसे नंबर एक पे कौन है? उड़ीसा, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे झारखंड, ठीक है। तो अगर उड़ीसा का परसेंट आप याद करते हैं, बाकी का नहीं याद करते हैं चल जाएगा, उड़ीसा आधे से अधिक जरूर याद कर लीजिएगा, 54.76%। उसके बाद छत्तीसगढ़ है 16.92% उत्पादित करके दूसरा स्थान रखता है। तो पहला स्थान उड़ीसा का, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक और चौथा झारखंड। ये है उत्पादन के मामले में 2019-20 की स्थिति है। ये सब जितना भी डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है सब 2019-20 का है, ध्यान रखिएगा 19 और 20 का डेटा है, ठीक है। उसके बाद अब भंडारण में हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। देखिए लौह अयस्क में हेमेटाइट के भंडार की बात कर रहे हैं, हेमेटाइट लौह अयस्क का एक अयस्क है, तो उस पर आधार पर बात करते हैं। उड़ीसा में 34% हेमेटाइट का भंडार पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर झारखंड है, उसके बाद जो क्रम आता है छत्तीसगढ़ 22% है, उसके बाद कर्नाटक कितना है 11% भंडारण के मामले में। तो ये चार क्रम आपको याद करना है हेमेटाइट के भंडार के अनुसार, इसमें आप एक याद कर लेंगे तो भी चल जाएगा उड़ीसा। उसके बाद मैग्नेटाइट अयस्क भंडार के मामले में आपको एक चीज बता दें, कर्नाटक 72% के साथ लगभग आधे से बहुत ज्यादा तीन भाग का आप कह सकते हैं कि उत्पादित कर देता है, 72% उत्पादित कर देता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का दूसरे नंबर पे आता है 13%, राजस्थान 6%, तमिलनाडु 4% मैग्नेटाइट का उत्पादन करके क्या करता है, 4% उत्पादन करके चौथे स्थान पर। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा किस्म का लोहा माना जाता है, इसमें 70-72% जो है धातु अंश पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी बात अभी हम लोग करेंगे, Fe2O3 बोलते हैं इसको, आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं और उद्योगों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद आते हैं किन किन क्षेत्रों में लोहा होता है। अगर हम उद्योगों की बात करें, भारत में लौह और इस्पात उद्योग की जहां से शुरुआत हुई अगर उसकी बात करें, तो 1830 में सबसे पहले तमिलनाडु के पोर्टोनोवा में लौह अयस्क एवं इस्पात कारखाना खोलकर इसकी शुरुआत की गई, या आप कह सकते हैं इस्पात कारखाना खोलकर इसकी शुरुआत की गई। कब? 1830 में पोर्टोनोवा, तमिलनाडु के पोर्टोनोवा से इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद 1991 में लौह अयस्क और इस्पात को क्या किया गया, लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। बाद में जितने प्रतिबंध थे 92 में वो सारे प्रतिबंध हटा दिए गए, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्वतंत्रता पूर्व जो लौह कारखाने थे, लौह इस्पात कारखाने थे, उनकी स्थिति देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व की बार 1830 का आपने पहला कारखाना तो देख ही लिया, उसके बाद हम बात करते हैं कुलटी पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात कारखाना खोला गया 1874 में। ये बाद में लोहा इस्पात उद्योग में बदल गया इसका नाम, बाद में, पहले इसका नाम कुलटी पश्चिम बंगाल लौह इस्पात कारखाना था, बाद में ये लौह इस्पात उद्योग के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद साक्ची झारखंड में 1907 में खोला गया, उसके बाद हीरापुर पश्चिम बंगाल में 1908 में खोला गया, इसका नाम भारतीय लौह इस्पात कंपनी रखा गया। अभी जो वर्तमान में नाम है भारतीय लौह इस्पात कंपनी है, भारतीय लौह इस्पात कंपनी है। भद्रावती जो है कर्नाटक में खोला गया कारखाना 1923 में, इसका नाम अभी वर्तमान में विश्वसरैया आयरन एंड स्टील है। उसके बाद बर्नपुर पश्चिम बंगाल में 1937 में खोला गया, ये सब स्वतंत्रता से पूर्व है, ध्यान रखिएगा, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से ये जाना जाता है, अभी वर्तमान की बात करें। अब स्वतंत्रता के बाद जो भारत में कारखाने हुए वो तीनों 1955 में हुए, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे राउरकेला उड़ीसा है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है, जर्मनी सहयोगी देश रहा है, तो राउरकेला उड़ीसा जो लौह इस्पात कारखाना है वो स्थापित किया गया। उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ में 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल है 1955 में स्थापित किया गया है ब्रिटेन के सहयोग से, तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। अगला एक और है बर्नपुर, उसको भी देख लेते हैं जरा सा। अगला है देखिए बोकारो झारखंड, सोवियत संघ के सहयोग से ये 1964 में स्थापित किया गया, सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो धातु लौह अयस्क है, दूसरी सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु लौह अयस्क है, इसके चार प्रमुख प्रकार हैं। पहला प्रकार है मैग्नेटाइट, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता रहा था, Fe2O4 है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, सर्वोत्तम किस्म का लोहा है ये, बहुत ही चुंबकीय होता है, चुंबकीय लौह अयस्क है। इसमें जो धातु का अंश पाया जाता है 72% पाया जाता है, बाकी इसमें वैनेडियम है,
टाइटेनियम है, क्रेमियम है, इसके भी अंश पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लौह धातु को जो अंश पाए जाते हैं 72% और सर्वोत्तम किस्म का लोहा है। मैंने बताया था ये कर्नाटक में जो है सर्वाधिक 72% इसका उत्पादन होता है, लगभग कर्नाटक की बात करें तो अकेले कर्नाटक कर देता है 70% से ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हेमेटाइट एस्क, जो Fe2O3 होता है, इसमें धातु का जो परसेंट होता है मैग्नेटाइट से थोड़ा सा कम होता है, 60-70% होता है, इसमें कई और धातुएं मिली होती हैं, उनका मिश्रण होता है, दूसरा सर्वोत्तम किस्म का लोहा है। उसके बाद तीसरा आता है लियोनाइट 2Fe3, ये एक जलयोजित जो ऑक्साइड है, जलयोजित का मतलब हुआ जिसमें आर्द्रता थोड़ा आ जाती है जिन लोहों में, वो जलयोजित कहलाते हैं, 40-50% इसमें धातु का अंश पाया जाता है, अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाया जाता है। उसके बाद आता है सिडेराइट FeCO3, आयरन कार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं, इसको लोहा कार्बोनेट भी कहते हैं, आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, धातु का अंश 40-45% होता है, कहीं कहीं कभी कभी जब पेपर में पूछा गया है तो वहां पे ऑप्शन 48% रहा है, वो सही माना गया है, ये भी औषधीय शैवालों से प्राप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं विश्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं लौह उत्पादक क्षेत्र पे आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए परेशान मत होइएगा, नीचे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, पहले ये आप देख लीजिए। अगर हम नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है जो ग्रेट लेक्स है, उसमें भी सुपीरियर झील जो है उसके किनारे किनारे जो मेसाबी क्षेत्र है, ये मेसाबी क्षेत्र है, तो वहाँ पर लौह उत्पादन किया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद अगर ग्रेट लेक्स के नीचे आप देखेंगे तो पिट्सबर्ग आपको दिखाई देगा, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, जो ग्रेट लेक्स है लौह इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही उसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे अलबामा है आपका, अलबामा जो है लौह इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके नीचे ये देखेंगे आप पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया जो है ये क्या है, ये भी लौह इस्पात के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आप आ जाएंगे दक्षिण अमेरिका में, जब आएंगे तो ये आपको ब्राजील दिख रहा है, ब्राजील के अगर आप मध्य पूर्वी भाग में देखेंगे तो इटाबरी पहाड़ी क्षेत्र है, इटाबरी पहाड़ी क्षेत्र भी लौह आयस्क उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कराकस स्थान है, कराजस है, तो कराजस जो स्थान है ये ब्राजील के उत्तरी मध्य भाग में स्थित है, ये भी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध। ऐसे चिली में आप देख रहे हैं 3 पॉइंट है, यहाँ पे अलगैरोबा क्षेत्र है, अलगैरोबा क्षेत्र में भी लौह इस्पात उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगर हम पूरब की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये यूक्रेन आपको दिख रहा है जो पहले कभी सोवियत संघ में आता था, तो यूक्रेन का एक जगह है क्रिवायरोग, जैसा कि आप जानते हैं राजधानी है, तो क्रिवायरोग भी किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है काफी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं रूस में टूला क्षेत्र आता है, टूला प्रांत क्षेत्र आता है, तो यहाँ पे जो है लौह इस्पात काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद चाइना की तरफ चलते हैं तो ये हिस्सा आपको मंचूरिया प्रांत दिख रहा है, मंचूरिया प्रांत लौह उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जगह का नाम है सांतुंग, ये भी जो है काफी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद सेनयांग यहाँ आपको दिख जाएगा, वो भी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद थोड़ा सा अगर मंचूरिया के पूरब आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे तो सांसी क्षेत्र दिखेगा, ये भी लौह इस्पात के लिए काफी प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल क्षेत्र काफी फेमस किया गया है, काफी फेमस है लौह इस्पात के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के ये जो एरिया दिख रहा है पिलवारा क्षेत्र जो है लौह अयस्क उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर से लिखा हुआ देख लेते हैं, फिर आप लोग समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, आपको नोट करना है क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है, नहीं तो याद नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा चीन का मंचूरिया क्षेत्र है, उसमें सांतुंग, सांसी और सेनयांग ये सब आते हैं, तो यहाँ सब जो है क्या है लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक। ब्राजील में जो है इटाबरी पहाड़ी है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ऐसे यूएसए में सुपीरियर झील का प्रदेश पूरा है जिसमें मेसाबी रेंज जाती है आपकी, अलबामा और पेंसिल्वेनिया राज्य आता है, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पिलवारा क्षेत्र और हमेसले खदान भी आ जाती है, उसी के पूरब में है, ठीक है। उसके बाद स्वीडन में किरुना गैली वाला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे पूर्व सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो क्रिवायराग यूक्रेन का ये काफी फेमस है। उसके बाद कुजवास खामी फेमस है, टूला क्षेत्र काफी फेमस है। तो ये आपको ऐसे ही नोट कर लेना है सीधे सीधे और याद करना है जो जो हमने महत्वपूर्ण बताए हैं आपको।
अब भारत में देख लेते हैं, भारत में कहां कहां उत्पादन है। भारत की अगर बात करें थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, भारत में देखिए आप कर्नाटक में दो जगह आपको दिख रही है, बाबा बदून की पहाड़ी और कुंद्रेमुख, दोनों जगह कर्नाटक के हैं। यहां पर क्या होता है, लौह अयस्क भारत में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम इधर देखते हैं, नोवा मंडी हमको दिख रही है, नोवा मंडी जो है झारखंड की एक जगह है जहां पे लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है, ठीक है। उसके बाद दामदुआ श्रेणी पश्चिम बंगाल की श्रेणी है, यहां पे उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा का गुरमहिसानी है, बादाम पहाड़ है, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला खान है और छत्तीसगढ़ का डाली राजहरा पहाड़ी है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे दामदुआ श्रेणी, गुरमहिसानी, बादाम पहाड़ी, या आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में नोवा मंडी है, कर्नाटक में आपका बाबा बदून है, कुंद्रेमुख है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आइए लिखा भी देख लेते हैं ताकि उसको आप याद कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लौह अयस्क भारत में उत्पादक क्षेत्र की बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में की अगर हम बात करें तो डाली राजहरा पहाड़ी है, बैलाडीला, दो क्षेत्र ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जो क्या करते हैं, लौह इस्पात के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं लौह अयस्क के। कर्नाटक में बाबा बदून है, कुंद्रेमुख है, बंगारकल है, अन्नदुर्गा, इसमें भी आपको महत्वपूर्ण जो याद करनी है बेलारी और चित्रदुर्ग जिला है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है, बहुत बार इससे प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद ओडिशा में भी आपको डिस्ट्रिक्ट पहले याद करना है, मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिला है, यहाँ पे लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है, गुरमहिसानी है, पोमपाद है, बादाम पहाड़ है। तो डिस्ट्रिक्ट कई बार पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट आप वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। झारखंड में अगर आप देखेंगे नोवा पंडी ही एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा फेमस है, उसके बाद जिले दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, सिंहभूम और केवंझर जिला है। उसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आपको छाबली, जिसमें ओंगोल और गुंटूर जिलों को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं गोवा में, तो उत्तरी दक्षिणी गोवा अगर आप याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। पश्चिम बंगाल में दामोदर सेड़ी, जिसमें बर्धमान जिला में आती है, तो ये आपको बता ही चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस तरह याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए कुछ लौह अयस्क जो हमारी मतलब उद्योग हैं उनके बारे में हमने बताया, जैसे मान लीजिए जमशेदपुर, यहाँ पे हो सकता है आपको ये ना दिखे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो मतलब इसका पीडीएफ डाल देंगे, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके फिर इसको देखिएगा। जैसे जमशेदपुर है, जमशेदपुर में लौह अयस्क कारखाना है, उसको जो लौह अयस्क मिलता है वो मयूरभंज और गुरमहिसानी से मिलता है, ठीक है। और कोयला इसको कहां से मिलता है, झरिया की खान से। इसको जल विद्युत कहां से मिलती है, स्वर्णरेखा नदी से, और इसका बाजार जहां ये जाता है वो कोलकाता है। ऐसे ही बर्नपुर है, बर्नपुर का है, छोटा नागपुर, पठार और उड़ीसा से जो है लौह अयस्क इसको आपूर्ति की जाती है। झरिया रानीगंज खान से इसको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। दामोदर और बराकर नदियां जो है इसको जल विद्युत प्रदान करती हैं और कोलकाता इसका बाजार है। अच्छा, नदियां बहुत पूछी गई हैं तो इसलिए नदी वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा एकदम अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे भद्रावती है, भद्रावती बाबा बदून पहाड़ी से को अपना लौह अयस्क प्राप्त करता है, वनों की लकड़ी से ये मतलब अपने ऊष्मा को प्राप्त करता है, भद्रा नदी से पानी मतलब जल विद्युत प्राप्त करता है। दक्षिण भारत में इसका मेन बाजार है। दुर्गापुर, छोटा नागपुर, पठार और उड़ीसा से प्राप्त करता है लौह अयस्क, झरिया क्षेत्र से कोयला प्राप्त करता है, दामोदर नदी से क्या प्राप्त करता है, जल विद्युत, कोलकाता इसका मार्केट है। अगले में आते हैं राउरकेला, जो उड़ीसा में है, उड़ीसा से अपना लौह अयस्क प्राप्त करता है, झरिया और तलचर से क्या प्राप्त करता है, कोयला, और ब्राह्मणी नदी इसको जल विद्युत देती है, और दक्षिण भारत इसका मार्केट है जहां पर बेचने जाता है। भिलाई, डाली राजहरा पहाड़ी है जो इसको लौह अयस्क देती है, झरिया बोकारो से ये क्या पाता है, कोयला पाता है, तंदुला नहर इसको पानी देती है, जल विद्युत देती है, और दक्षिण भारत इसका मार्केट है। ऐसे ही आप देखेंगे बोकारो उड़ीसा में है, उड़ीसा से लौह अयस्क प्राप्त करता है, स्थानीय क्षेत्रों से ये कोयला प्राप्त कर लेता है, दामोदर नदी इसको पानी दे देती है, कोलकाता इसका मार्केट है। लास्ट में विशाखापट्टनम है, बैलेडीला खान से ये क्या करता है, लौह अयस्क प्राप्त करता है, ऑस्ट्रेलिया से आयात द्वारा ये कोयला प्राप्त करता है, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये बेच देता है। आगे चलें, देखते हैं, एक लास्ट चीज आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको दोबारा मैंने लिख दिया है, पहले बता दिया था, फरवरी 2018-19 में कच्चे उत्पाद के उत्पादन के मामले में जापान को पीछे छोड़कर भारत नंबर दो पर आ गया है, चीन नंबर एक पर है, चीन नंबर एक पर है, भारत नंबर दो पे है, यहां पे भारत आप लिख लीजिएगा नंबर दो पे, तीन पे जापान है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए दो बार लिख गया है, बाकी आगे के जितने खनिज तत्व हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।